ओम शांति सात सितंबर की ईश्वर में आप सबका स्वागत है परमात्मा पिता कहते हैं कि योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजय भवा माया मतलब काम क्रोध लोभ मोह अंकार ईर्षा घृणा नफरत आलस अलबेलापन इनके ऊपर जीत पाने के लिए परमात्मा से कनेक्शन होना चाहिए तो हमारे अंदर जील अंतज कहें या उमंग उत्साह कहें वो तभी आता है जब हम परमात्मा से शक्ति लेते हैं खुशी लेते हैं शांति लेते हैं और इंसान और चीज़ों और वस्तुओं से हम इच्छाएं कम रखते हैं कहने का अर्थ बहुत सिंपल है जब आपको प्रेम खुशी आनंद शक्ति शांति परमात्मा से मिल रही हो तो आप फिर इंसान के पास क्यों जाएंगे आप वस्तुओं को ख़रीद करके उनको जमा करके क्यों उनसे खुशी पाने की कोशिश करेंगे या चीज़ों से आप क्यों आनंद पाने की कोशिश करेंगे जब आपको सब कुछ परमात्मा से मिल रहा है तो फिर क्या होता है फिर जब हम इंसान से हमें नहीं मिलता है चीज़ों से नहीं मिलता है तो हमें इरीटेट होते हैं या हमें गुस्सा आता है लेकिन जब हमें परमात्मा से जब मिल जाता है प्रेम सुख आनंद शक्ति गुण ये सारे तो फिर हमें चिड़चिड़ापन कम होता जाता है गुस्सा कम होता जाता है क्योंकि हमें परमात्मा से लेना आ गया है पर उसको योग शक्ति चाहिए ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है लाइट ऑन करी रोशनी हो गई ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजय बना देता है पर योग बल में क्या होता है हमें स्मृति का स्विच ऑन करना पड़ता है मैं आत्मा शिव बाबा परमात्मा बस ये है स्विच ऑन स्विच ऑफ करके कर कर रखा दिन भर तो गुस्सा आएगा क्रोध आएगा इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन होगी सारी चीज़ होती है ना हमने भी एक्सपीरियंस करी होता भी है कभी कभी हमारा स्विच ऑफ स्विच ऑन होता रहता है तो उसमें जब स्विच ऑफ होता है तो हमें भी इरिटेशन क्रोध आएगा फ्रस्ट्रेशन होगा आप अभी तरस कर लेकिन स्विच ऑन रहेगा तो लाइट ऑन रहेगी मतलब कि प्रकाश से हम कनेक्टेड रहेंगे सुप्रीम फादर से स्विच ऑन तो फिर माया दूर हो जाती है योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है कुछ लोग कहते हैं अरे सर पूरी कलयुग की दुनिया बड़ी गंदी दुनिया है और चारों तरफ बिल्कुल अंधकार है मैलापन है तो फिर नाइन्टी नाइन परसेंट जब लोग ऐसे हैं तो फिर हम छोटा सा एक स्पार्क एक छोटी सी प्रकाश इतने अंधकार में कैसे हटाएंगे अंधकार को परमात्मा कहते हैं तुम तो मुझसे जुड़ते हो मैं प्रकाश सारी दुनिया का अंधकार मेरे सामने कुछ भी नहीं है तो बस हमें परमात्मा से जुड़ना है अपने आप को प्रकाश स्वरूप बनाना है और फिर अंधकार की चिंता नहीं करनी है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा समय लगता है लेकिन थोड़ा योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती लेकिन इसके लिए क्या है परमात्मा से कनेक्शन जरूरी है अगर हमारा विस्मृति में रहेंगे कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो फिर स्वप्न में भी कहा क्रोर लोमकार के संकल्प आएंगे स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है मस्तक पर क्या लगाए आत्मा तिलक आत्मा अभिमानी सोल कॉन्शियस होने से परमात्मा अभिमानी या परमात्मा के साथ में कनेक्शन हो जाता है हमारा और हम उनके कनेक्शन के साथ में रह करके माया को जीत पाते हैं शांति